एवरीवन, दिस इज डॉक्टर विशाल जौहरी और अभी आप देख रहे हैं एमबीबीएस मतलब जौहरी एमबीबीएस। और आज सब हम शुरू करने वाले हैं पूरा अपना प्रोटीन। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैंने इसका मेटाबॉलिज्म ऑलरेडी आपके लिए अपलोड करके रखा हुआ है। क्योंकि क्या होता है ना, मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा बड़ा होता है, मेटाबॉलिज्म को बार बार पढ़ना पड़ता है, तो मैंने सारे मेटाबॉलिज्म पहले ही अपलोड कर दिए थे। अब मैं सीरियल से पूरी प्लेलिस्ट को अपलोड करना स्टार्ट कर रहा हूं। देखो, प्रोटीन आपको पता है बनता किससे है, प्रोटीन अपना बनता है अमीनो एसिड से। तो सबसे पहले आज हम पढ़ने वाले अमीनो एसिड के, अपने अमीनो एसिड दिखता कैसा है और उसको कितने पार्ट्स में अपने क्लासिफाई करा है। और उसका क्लासिफिकेशन जो होता है ना अमीनो एसिड का, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, फर्स्ट यूनिवर्सिटी एग्जाम में आपको लिखने के लिए आ सकता है। दूसरी चीज, ये डायरेक्ट ना आपको एमसीक्यू में आता है, तो इसके एमसीक्यू अमीनो एसिड के यार बनते ही बनते हैं। सो आज का टॉपिक अपन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है सर, ये अमीनो एसिड होता कैसा है और दिखता कैसा है। तो अगर आपको पीछे यहाँ पे डायग्राम दिख रहा होगा, पूरा अपना अमीनो एसिड का पूरा एक मॉलिक्यूल है। तो मैं आपको बता दूं, कोई भी मॉलिक्यूल अगर उसके अंदर अपना प्रेजेंट हो कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब कि COOH और अपना प्रेजेंट हो अमीनो ग्रुप मतलब कि अपना NH2, तो उसको अपन बोलने लगते हैं अमीनो एसिड। तो अमीनो एसिड क्या होता है, अमीनो एसिड अपना ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके अंदर अपना एक प्रेजेंट होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप और एक अपना प्रेजेंट होता है अमीनो ग्रुप। और इसके अंदर साइड में ना अपनी एक और चीज प्रेजेंट होती है जिसे अपन बोलते हैं साइड चेन। तो इसी साइड चेन के अकॉर्डिंग क्या होता है ना, अपन अपना अमीनो एसिड को डिफरेंट पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं। जस्ट लाइक अगर साइड चेन के अंदर अगर अपना क्या प्रेजेंट हुआ, अल्कोहल प्रेजेंट हुआ OH, तो अपन इसको बोलेंगे अल्कोहलिक अमीनो एसिड। या फिर अपना इसके अंदर एक एसिडिक ग्रुप प्रेजेंट हुआ एक और COOH, तो इसे अपन बोल सकते हैं एसिडिक अमीनो एसिड। तो यहाँ पे जो R ग्रुप जो है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यही R ग्रुप जो है अपना अमीनो एसिड का केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी जो है डिफाइंड करता है। तो यहाँ पे मैंने आपको पूरा अमीनो एसिड का क्या बता दिया, स्ट्रक्चर बता दिया। अब अपन बात करते हैं इसके क्लासिफाई पे, इसके कितने पार्ट्स में अपन ने इसको क्लासिफाई करा है। तो अमीनो एसिड का क्लासिफिकेशन जो है ना मेनली चार तरीके से अपन करते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन, या स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन ना बहुत ही इजी होता है। मैंने आपको अभी बताया था जो आर ग्रुप जो है ना उसके अकॉर्डिंग स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन होता है। अगर अपना एसिडिक ग्रुप है तो एसिडिक अमीनो एसिड, बेसिक ग्रुप है तो बेसिक अमीनो एसिड। तो बहुत ही इजी है स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन। फिर अपन इसके अंदर करते हैं पोलरिटी क्लासिफिकेशन में, कि पोलरिटी आप समझ गए ना कि पोलर है कि नॉन पोलर है, चार्ज है कि नहीं है, तो पोलरिटी क्लासिफिकेशन में जाता है। फिर अपन करते हैं न्यूट्रिशनल क्लासिफिकेशन। आपने बहुत बार सुना भी होगा कि कुछ अमीनो एसिड अपने लिए असेंशियल होते हैं, डाइट में लेने पड़ते हैं, तो उसे बोलते हैं असेंशियल अमीनो एसिड। कुछ अपने नॉन असेंशियल होते हैं, तो सारे न्यूट्रिशनल क्लासिफिकेशन में आ जाता है। फिर अपन एंड में देखते हैं मेटाबॉलिक क्लासिफिकेशन, कि अपना अमीनो एसिड जो है, आपको पता है अपनी बॉडी के अंदर सिर्फ 20 टाइप के अमीनो एसिड जो है वो प्रोटीन बनाते हैं, और जो कुछ अमीनो एसिड जो होते हैं ना वो क्या करते हैं अपनी बॉडी के अंदर कीटोन बॉडी के अंदर चेंज हो जाते हैं, ग्लूकोज के अंदर चेंज हो जाते हैं। तो इसको अपन बोलते हैं कीटोजेनिक और ग्लूकोजेनिक। तो सारे अमीनो एसिड के बारे में जानेंगे, कौन कौन से अपने कीटोजेनिक होते हैं, कौन कौन से अपने ग्लूकोजेनिक होते हैं, तो सारा अपन ने ना मेटाबॉलिक क्लासिफिकेशन में अपन ये जानने वाले हैं। तो टोटल आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी कभी आ गया ना, आपको ऐसे लिखना है कि स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन होता है पोलरिटी के आधार पर, न्यूट्रिशन के आधार पर, अपने मेटाबॉलिक आधार पर। फिर मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ यहाँ पे कि स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन में अपन को क्या पढ़ना है। तो बेसिकली स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन अगर अपन देखें तो अपन ने तीन पार्ट्स में अपन अमीनो एसिड को स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन इसकी होती है। सबसे पहले एलिफेटिक साइड चेन, आपको पता है एलिफेटिक का मतलब क्या होता है, वही अपना आर ग्रुप, वो अपना CH3, ये सब एलिफेटिक के अंदर आ जाते हैं। सबसे पहले अपन ने अमीनो एसिड को डिवाइड करा है एलिफेटिक में, देन एरोमेटिक में। एरोमेटिक मतलब अपनी वो जो रिंग होती है ना, बेंजीन रिंग, एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, सब एरोमेटिक के अंदर आ जाते हैं। तो जिन अमीनो एसिड में इस तरीके की रिंग प्रेजेंट होती है उन्हें अपन बोलते हैं एरोमेटिक अमीनो एसिड। तो देखो अब क्या होता है, कुछ अमीनो एसिड के अंदर अपनी अम्यून रिंग प्रेजेंट होती है तो उसे अपन बोलते हैं अम्यूनो अमीनो एसिड। इसका डायरेक्ट एग्जाम्पल तुम याद रख लो, इसका एग्जाम्पल अपना होता है प्रोलिन। डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में आता है कि प्रोलिन किसके अंदर आता है, कौन सी क्लासिफिकेशन में आता है, तो डायरेक्ट आप टिक कर देना। तो ये ना डायरेक्ट आता है प्रोलिन वाला, दो बाकी के दो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मैं और डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले अपना आता है एलिफेटिक साइड चेन। तो एलिफेटिक साइड चेन के अंदर सबसे पहले अपना आता है सिंपल अमीनो एसिड। सिंपल अमीनो एसिड क्या होता है ना, बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म होता है अमीनो एसिड का ये। जैसे एग्जांपल अपना होता है ग्लाइसिन और एलेलिन। अब ग्लाइसिन के आर में क्या लगता है, मतलब ग्लाइसिन की साइड चेन क्या है, ग्लाइसिन की साइड चेन में सिर्फ एक मॉलिक्यूल अटैच होगा जो कि हाइड्रोजन। सेम एनिलिन के अंदर क्या होगा, डायरेक्टली एक चीज अपनी अटैच होती है CH3। तो यहाँ पे इनको सिंपल अपन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इनके जो साइड चेन है उनके अंदर सिर्फ एक चीज अपनी अटैच है। मैं तुम्हें क्या इसका डायग्राम भी दिखा देता हूं ताकि तुम्हें कंफ्यूजन ना हो। ये तुम यहां पे देखो,
अगर मैं तुम्हें दिखाऊं, ये जो आपको दिख रहा है, मैं क्या थोड़ा जूम कर दिया मैंने आपके लिए, तो आप ये देखो, हमने पूरा अमीनो एसिड में यहाँ पे साइड चेन में हाइड्रोजन लगा है। ये अपना एग्जाम्पल है ग्लाइसिन का, और ये वाला एग्जाम्पल है अपने एनिलीन का, क्योंकि इसके अंदर CH3 लगा। ये सिंपलेस्ट फॉर्म होते हैं, क्योंकि इनके आर ग्रुप में सिर्फ एक चीज प्रेजेंट है। फिर अगर आप और साइड में देखो, तो यहाँ पे आपको ना यहाँ पे ब्रांच चेन दिख रही होगी, तो ये अपना है ब्रांच अमीनो एसिड, जिसका एग्जाम्पल अपना है वेलिन। तो मैं ना आपको ब्रांच वाले भी दिखा देता हूँ यहाँ पे। देखो मैं तुम्हारे लिए ना पूरी मेहनत करता हूँ, चाहे PPT से बनाना हो कि या फिर नोट्स बनाना हो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि बच्चों को ना बिल्कुल भी फर्स्ट ईयर ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े, क्योंकि ऑलरेडी यार अपन के ऊपर सिलेबस बहुत सारा होता है, एनाटॉमी का, फिजियोलॉजी का, बहुत दिक्कत हो जाती है। इसलिए देखो मैं तुम्हारे लिए पूरी मेहनत करूंगा यार, चाहे मुझे PPT बनाना पड़े, नोट्स बनाना पड़े, क्योंकि मेरा मेन एम गोल यही है कि मुझे इंडिया में MBBS को बहुत इजी करना है। सो चलो अपन बातें बहुत हो गई, काम की बात पे आते हैं। सिंपल अमीनो एसिड में मैंने आपको बताया अपना आता है ग्लाइसिन, एलेनिन, डायरेक्ट याद करना है। ब्रांच में आपको दिखाया भी था, इसका एग्जांपल है VIL, मतलब वेलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन। फिर अपना आता है अल्कोहल कंटेनिंग। अब देखो अल्कोहल कंटेनिंग में ना OH आता है, जल्दी से यहाँ पे H लिखा, तुम OH कर लेना। तो अल्कोहल कंटेनिंग अपने होते हैं सेरिन और थ्रियोनिन, और ये डायरेक्ट MCQ में पूछे जाते हैं। डायरेक्ट लिख देगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अल्कोहल कंटेनिंग, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज अल्कोहल कंटेनिंग अमीनो एसिड, तो तुम्हें डायरेक्ट याद करना पड़ेगा। फिर अपना आता है सल्फर कंटेनिंग, जिसके अंदर अपना आता है मिथियोनिन। फिर दो बहुत इंपॉर्टेंट अपने एसिडिक और एक बेसिक अमीनो एसिड। तो एसिडिक अमीनो एसिड अपन उन अमीनो एसिड को बोलते हैं जिनके अंदर साइड चेन में अपना एक और एसिडिक ग्रुप रहता है, मेनली अपना COOH। तो एसिडिक अमीनो एसिड का अपना एग्जाम्पल होगा एस्पार्टिक एसिड और अपना एक ग्लूटामिक एसिड। मैं तुम्हें इसके स्ट्रक्चर भी दिखाऊंगा, अभी तुम सुन लो। और बेसिक का एग्जाम्पल अपना होता है हिस्टिडीन, आर्जिनिन और लाइसिन। तो एसिडिक को एसिडिक क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके साइड चेन में अपना एक और COOH मतलब एसिडिक ग्रुप होता है। और बेसिक को बेसिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके साइड चेन में एक और NH2 ग्रुप मतलब कि अमीनो ग्रुप होता है। फिर आप बोलोगे सर एसिडिक हो गया, बेसिक हो गया, तो न्यूट्रल भी तो होना चाहिए ना, क्योंकि एसिडिक होता है, बेसिक होता है, न्यूट्रल भी होता है। तो मेरे लाल फिक्र मत कर, न्यूट्रल भी बताता हूं। तो न्यूट्रल कौन से होते हैं, न्यूट्रल अपने होते हैं सिंपल और ब्रांच। सिंपल और ब्रांच अमीनो एसिड के जितने भी एग्जांपल देना वो न्यूट्रल अमीनो एसिड के एग्जांपल होते हैं। तो अब मैं क्या करता हूं, तुम्हें इसके स्ट्रक्चर भी दिखा देता हूं। तो तुम यहां पे देखो, मैं तुम्हें जूम करता हूं यहां पे। तो ये है अपना एसिडिक अमीनो एसिड का एग्जांपल, जिसके साइड चेन में आप देखो एक और एसिडिक ग्रुप अपना अटैच है, यह है अपना एस्पार्टेट। फिर यह अपना ग्लूटामेट, ग्लूटामेट में भी अपना एसिडिक अटैच है। फिर मैं आपको यहाँ पे बेसिक दिखाऊं, तो चलो मैं आपको यहाँ पे बेसिक के स्ट्रक्चर भी दिखा देता हूँ। तो साइड में देखो, साइड में अपने बेसिक है। बेसिक में मैंने आपको बताया था यहाँ पे एक और NH2 होगा, तो बेसिक में यहाँ पे एक NH2 है, लाइसिन में या आर्जिनिन में एक प्रेजेंट है ना। फिर हिस्टिडीन है, तो हिस्टिडीन में भी यहाँ पे एक प्रेजेंट है। तो ये अपने सारे बेसिक अमीनो एसिड के एग्जांपल हो गए। और न्यूट्रल का तो मैं आपको पहले बता ही चुका था कि ब्रांच जितने भी होते हैं ना अपने, ग्लाइसिन, एनिलीन, ये सिंपल के एग्जांपल थे, और वेलिन अपना ब्रांच का एग्जांपल था। सारे अपने होते हैं न्यूट्रल अमीनो एसिड। तो मैंने आपको ना स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन सारा बता दिया, साथ में इसके दिखाए आपको स्ट्रक्चर भी, ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। अब चलो अपन आगे बढ़ते हैं अपने क्लासिफिकेशन पे, जो कि अपना है अकॉर्डिंग टू द पोलैरिटी। तो देखो पोलैरिटी के अकॉर्डिंग ना जाहिर सी बात है, या तो वो पोलर होगा अमीनो एसिड, या फिर अपना वो नॉन पोलर होगा। और डायरेक्ट ना MCQ में पूछा जाता है कि विच द फॉलोइंग इज पोलर, विच द फॉलोइंग इज नॉन पोलर। तो डायरेक्ट तुम्हें ना याद रखना है, और उसके लिए ना मैंने बहुत इजी ट्रिक बनाई है तुम्हारे लिए। अब देखो सारे जो एरोमेटिक अमीनो एसिड जो होते हैं ना, जिसके अंदर रिंग प्रेजेंट थी, जैसे कि फिनाइल एलिन के बारे में मैंने आपको बताया था, वो सारे अपने आ जाते हैं नॉन पोलर के अंदर। तो जब भी आपको एरोमेटिक अमीनो एसिड के एग्जांपल देखे, आप उसको डायरेक्ट बोलना वो क्या होते हैं, वो अपने होते हैं नॉन पोलर। फिर अपन आते हैं सर पोलर का क्या, देखो पोलर तो उससे भी इजी है। पोलर का मतलब क्या हो गया, या तो वो चार्ज होगा या फिर अनचार्ज होगा। चार्ज में भी क्या होगा, या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। अब जाहिर सी बात है नेगेटिव, अब मैं तुमने यहां नीचे लिखता हूं, जब कभी आप एसिड लिखते हो तो आप उसको ऐसे लिखते हो ना COOH, ऊपर क्या आ रहा है, ये नेगेटिव ग्रुप आ रहा है ना। तो वैसे याद रख लो कि जितने भी अपने नेगेटिव पोलर अमीनो एसिड किसको बोलते हैं, अपन एसिडिक अमीनो एसिड को बोलते हैं, एस्पार्टिक, ग्लूटामिक एसिड, ये सारे के सारे क्या होते हैं, अपने नेगेटिव होते हैं। तो नेगेटिव के एग्जांपल कौन है, अपने सारे एसिडिक अमीनो एसिड। और पॉजिटिव के एग्जांपल कौन से होते हैं, अपने बेसिक अमीनो एसिड। और अनचार्ज कौन से होते हैं, अनचार्ज वो अपने न्यूट्रल अमीनो एसिड। न्यूट्रल अमीनो एसिड को अपन अनचार्ज बोलते हैं, जिसके अंदर अपना सिंपल अमीनो एसिड, सिंपल अपने आ जाएंगे। उसके अलावा अपने अल्कोहल कंटेनिंग,
और अपना सल्फर कंटेनिंग, ये दोनों अमाइनो एसिड भी अपने अनचार्ज अमाइनो एसिड में आ जाते हैं। तो फिर से एक बार और रिपीट करता हूं, पोलर में दो होंगे पोलर नॉन पोलर, नॉन पोलर में एरोमेटिक अमाइनो एसिड और अपने पोलर में दो होंगे चार्ज अनचार्ज, अनचार्ज में सिंपल वाले सारे अमाइनो एसिड एल्कोहल कंटेनिंग और सल्फर कंटेनिंग, फिर अपने चार्ज में नेगेटिव और पॉजिटिव, नेगेटिव में आपको सारे एसिडिक डालने हैं, पॉजिटिव में सारे आपको बेसिक अमाइनो एसिड डालने हैं। तो मैंने बड़े आराम से आपको यह भी समझा दिया, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्या होता है ना, न्यूट्रिशन के आधार पर तीन तरीके के हो सकते हैं अमाइनो एसिड। देखो या तो अपनी बॉडी ना बिल्कुल अमाइनो एसिड बना ही नहीं रही है, मतलब अपन क्या हो रहा है ना, बिल्कुल अपनी बॉडी के अंदर ना कुछ ऐसे अमाइनो एसिड होते हैं जो अपनी बॉडी बनाती ही नहीं है, वो अपन को डाइट के फॉर्म में ही लेना पड़ते हैं, तो ना अपन बोलते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड। तो सबसे पहले कुछ अमीनो एसिड अपने लिए एसेंशियल होते हैं, कुछ जो अमीनो एसिड होते हैं ना वो सेमी एसेंशियल होते हैं, मतलब कि ना वो क्या होता है ना किसी स्पेसिफिक कंडीशन में वो अपनी बॉडी के लिए एसेंशियल हो जाते हैं। इसको समझाने के लिए मैं बोलूं, एसेंशियल जो होते हैं ना वो बॉडी बिल्कुल बनाती ही नहीं अमीनो एसिड, जो सेमी एसेंशियल या फिर कंडीशनली एसेंशियल जो रहते हैं ना वो क्या रहता है, अपनी बॉडी बनाती है बट बहुत कम क्वांटिटी में बनाती है। और मान लो कि कोई वुमेन है वो प्रेग्नेंट हो गई या फिर अपना क्या है जो ग्रोइंग इन्फेंट या बच्चा जो बड़ा हो रहा है, उस कंडीशन में क्या होता है ना अपन को अमीनो एसिड ज्यादा चाहिए रहते हैं, तो इसे अपन बोलते हैं कंडीशनल अमीनो एसिड। किसी स्पेसिफिक कंडीशन में प्रेगनेंसी में और ग्रोइंग इन्फेंट में अपन को ये अमीनो एसिड ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए, इसलिए अपने हो जाते हैं कंडीशनली एसेंशियल अमीनो एसिड। और कुछ अमीनो एसिड जो रहते हैं ना बिल्कुल बिंदास होते हैं, बिल्कुल अपनी तरफ होते हैं नॉन एसेंशियल, बॉडी बिल्कुल भरपूर मात्रा में इसको बनाती है, तो इसलिए वो होते हैं नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। अब तो सबसे पहले अपना आता है एसेंशियल के ऊपर, एसेंशियल कौन कौन से होते हैं। एसेंशियल में अपना आता है हिस्टिडीन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, मिथुनिन, फिनाइल एनिलीन, है ना, और अपना थ्रियोनिन और अपना ट्रिप्टोफैन और अपना वेलिन। अब देखो ना इसके लिए मैंने तुम्हारे लिए बहुत इजी सी जिंगल बनाई है, तो तुम उससे तुम्हें सब कुछ याद हो जाएगा, टेंशन लेने की बात नहीं है क्योंकि तुम उस समय देख रहे हो जॉरी एमबीएस लेक्चर्स। फिर अपना आते हैं कंडीशनली नॉन एसेंशियल, उसके अंदर आर्जिनिन, है ना, अपना ग्लूटामिन, ग्लाइसिन, प्रोलिन और टायरोसिन, ये सारे इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा होते हैं, सिस्टीन में इंपॉर्टेंट है बट मैंने ना मेनली एमसीक्यू में ये सारे देखे हुए हैं। तो अपन याद है एसेंशियल अमीनो एसिड सर कैसे याद करना है। देखो एसेंशियल अमीनो एसिड को याद करने के लिए तुम ऐसे याद कर सकते हो, तुम्हारी मम्मी है वो बोल रही है कि देखो अब से टीवी सिर्फ 8 बजे तक ही देखूंगा। अब तुम बोलोगे मम्मी अब तुम टीवी देखते ही नहीं, अब तुम मोबाइल देखते, हम तो स्मार्ट हो चुके हैं। तो जिंगल अपनी है टीवी टिल 8 PM। अब यहां से टी से आप कर देना ट्रिप्टोफैन, वी से हो जाएगा वेलिन, फिर टिल के टी से हो जाएगा थ्रियोनिन, आई से हो जाएगा ल्यूसिन, डबल एल से अपना हो जाएगा ल्यूसिन और लाइसिन। यहां से 8 जो है ना 8 PM ये बता रहा है कि यहाँ पे 8 सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं। देन पी से अपना हो जाएगा फिनाइलएनिलीन और एम से अपना हो जाएगा मिथुनिन। तो इस तरीके से आप इस जिंगल के जरिए आप पूरा एसेंशियल अमीनो एसिड बड़े आराम से याद कर सकते हो। तो ये मैंने आपको एसेंशियल नॉन एसेंशियल भी बता दिए। अब अपन बात करते हैं अपने मेटाबॉलिक क्लासिफिकेशन की। देखो मेटाबॉलिक क्लासिफिकेशन में जैसे मैंने आपको बताया था अमाइनो एसिड देखो तीन तरीके के हो सकते हैं, या तो वो अपने अमाइनो एसिड कीटोन बॉडी बनाएंगे आगे चल के मेटाबॉलिज्म में उसमें बोलेंगे कीटोजेनिक, या फिर वो अपने क्या बनाएंगे ग्लूकोज बना देंगे उसको बोलेंगे ग्लूकोजेनिक। और कुछ अमीनो एसिड जो होते हैं ना वो बिल्कुल दोगले होते हैं, ना वो इधर के ना वो उधर के, ये सब दोगलापन है। तो दोनों बनाते हैं कीटोन बॉडी में बनाएंगे अपने और ग्लूकोज में बनाएंगे, तो वो अपने हो जाते हैं बोथ अमाइनो एसिड, दोगले किस्म के होते हैं। अब देखो ना आप तुम कमेंट में ना राहुल गांधी लिखने लगते हो दोगला बोलता हूं मैं। अब देखो कीटोजेनिक में सिर्फ दो ही अमाइनो एसिड आते हैं, एक अपना ल्यूसिन दूसरा अपना लाइसिन, जिसको तुम ना एक जंगल में बनाई थी कल्लू लाला। कैसे क्या हो जाएगा कीटोन बॉडी के कल्लू के कैसे हो जाएगा कीटोन और लाला, लाला से एल एल में समझाना कीटोन मतलब कीटोजेनिक में क्या होते हैं एल एल वाले अपने होते हैं, एक अपना ल्यूसिन दूसरा अपना लाइसिन, तो कल्लू लाला से आपको याद रह जाएगा। फिर अपने आते हैं बोथ, बोथ के सिर्फ 4 एग्जाम्पल है फिनाइल एनिलीन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन और आइसोल्यूसिन। फिर अपना एंड में जाता है ग्लूकोजेनिक, तो जितने भी अपने यहाँ पे बच रहे ना उसके अलावा सारे अपने ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड होते हैं। सो मेनली आपको मैं बताऊं यूनिवर्सिटी एग्जाम में एमसीक्यू आएगा मेटाबॉलिक्स में, और एमसीक्यू में डायरेक्टली कीटोजेनिक पूछे जाते हैं, तो कल्लू लाला से आप बिल्कुल सारी चीज याद कर लोगे। अब बात आती है तुम्हारे फेवरेट पार्ट में जो कि है सर यूनिवर्सिटी में कैसे लगना है, आपके नोट्स प्रोवाइड करवा दो। तो टेंशन मत लो, देखो मेरे जो नोट्स है ना उनका नाम है बायोकेमिस्ट्री इन 7 डेज, मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ,
और इन नोट्स की खास बात क्या है कि आप मात्र 7 दिन में मेरे नोट्स के जरिए आप ना पूरा बायोकेमिस्ट्री जो है खत्म कर दोगे। तो ये मेरे नोट्स हैं और ये जो मैं यहाँ पे नोट्स दिखा रहा हूँ ना और जो रियल के नोट्स हैं जो कि डिस्क्रिप्शन में, उनमें ना जमीन आसमान का अंतर है, क्योंकि उनके अंदर ना एक्स्ट्रा क्लिनिकल एनाटॉमी है, एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स है, मतलब वो ना एक फुल पैकेज है, तो 7 दिन में आपको याद करवा देगा। ये तो एक्चुअली मैं आपको पढ़ाने के लिए सिंपल सी मैंने बना के रखी है। तो आप कभी क्लासिफिकेशन आ गया ना, पहले आपको डालना है हेडिंग और पूरा आपको लिखना है कि टोटल 170 अमीनो एसिड होते हैं, जिसके अंदर मोस्टली 20 अमीनो एसिड प्रोटीन बनाते हैं, 25 बनाते हैं, मोस्टली 20 अमीनो एसिड बनाते हैं। फिर आप यहाँ पे स्ट्रक्चर बना देना, फिर क्लासिफिकेशन की हेडिंग डालना, और जैसे मैंने आपको समझाया था ना स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन वो लिखना, उसमें सारे 3 पॉइंट लिख देना, फिर पोलर नॉन पोलर न्यूट्रिशनल एसेंशियल सेमी एसेंशियल, इस तरीके से तुम्हें पूरा लिख के आना पड़ेगा। मैं तुम्हें एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। फिर ना एसेंशियल नॉन एसेंशियल सेमी एसेंशियल उसको ना ऐसे इस फॉर्म में लिखना, तुम बिल्कुल एक टेबल टाइप बना के तुम्हें ज्यादा अच्छे से मार्क्स मिलेंगे। फिर अपन बात करते हैं नेक्स्ट, अपना टॉपिक होगा प्रोटीन, और उसके लिए तुम मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लो, तुम्हारे लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तुम एक मेरा काम कर दो यार, ज्यादा से ज्यादा ना वीडियो को शेयर करो, इतना नहीं कर सकते कोई बात नहीं, कम से कम इसको लाइक करो, कमेंट करो, तो ऑटोमेटिकली इसकी रीच बढ़ जाएगी और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मेरी वीडियो जाएगी। सो वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो ऐसे कंटेंट के लिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।